दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 से, क्वेश्चन नंबर 12 है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। क्या कह रहे, आई एम स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर, मेरे क्या डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे पता कर सकते हैं वो नंबर क्या होगा। तो पहले तो आपको देखना है कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर जैसे हमारे कोई 12 नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 है और 12 है, ये इसके प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर मतलब इनके किस नंबर से, तो अगर मैं देख किसके नंबर से डिवाइड हो सकता है, अगर मैं देखूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर हम देखेंगे प्राइम नंबर्स, तो क्या हमारा स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 होता है, फिर कितना होता है, 3 होता है, फिर हमारा 5 होता है, और फिर क्या होता है, 7 होता है। ये हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, मैं प्राइम फैक्टर होगा किसी नंबर के, ठीक है। अगर मुझे नंबर फाइंड करना, देन नंबर क्या हो जाएगा, वो देन नंबर, नंबर क्या, 2 × 3 × 5 × 7। हमें कैसे पता लगे कि ये वो नंबर से, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3 होता, और फिर 5 होता, फिर 7 होता, इसके फैक्टर आगे नहीं होते, 2 के कोई फैक्टर होते, 1 होता या 2 होता, ठीक है, तो ये आगे नहीं टूटे, ठीक है। तो इसमें ना हमने क्या लिया, पहले 2, 3, 5 एंड 7 लिया। अब इसके आप करो, 2, 3 जै 6 और 6, 5 जै 30, 30 × 7 क्या हो जाएगा, 7, 2 जै 7, 3 जै 21। तो वो नंबर क्या होगा हमारा, 210 होगा। अब आप पैसे के कैसे पता लगा भाई आपको कि 210 है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर्स देखे, स्मॉलेस्ट 2, 3, 5, 7, ये डिफरेंट फोर फैक्टर निकल गए, ये आगे नहीं टूटते, ना 2 आगे टूटता है, ना 3 टूटता है, ना 5 टूटता है, ना 7 टूटता है, इसलिए हमने ये 4 लिए, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 210। अगर आप 210 कर भी दोगे तो देखो, 2, 2 1 जै 2 और 0 5, फिर 3 से जा रहा, 3, 3 जै 9 1, 3, 5 जा, फिर 5 से जा रहा और फिर 7 से जा रहा, तो यही वो प्राइम नंबर फैक्टर निकल गए इसके।